हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं BMST 1921 चैनल। और आज का जो वीडियो है ये टेबल फ़ैन का वीडियो है, ये एसी टेबल फ़ैन का। और इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, और ये जो वीडियो है आज ये पार्ट 4 का वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो मैं बना दिया हूँ, और इसमें ये पार्ट 4 का वीडियो है। और इसमें आज ये जो रेगुलेटर है दोस्तों, ये ख़राब हो चुका था, तो ये रेगुलेटर का वीडियो है। और इसमें कुछ सेफ्टी बरतने के लिए इसका मैं यूज करूँगा ये सब चीज़ का। तो ये देखिए, इसका कनेक्शन वगैरह जो है वो जल चुका था, और ये नाइक्रोम का वायर है, ये जो स्प्रिंग जो है, तो इसी को मैं इसमें लगा करके इसे सही करूँगा। और इसे कनेक्शन जो है वो देख लेना है इसका दोस्तों। ये एक नंबर पर ये फैन रोटेट कर रहा था, पर 2-3 पर जो है ये फैन रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसी को सही करने के लिए यहाँ करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक यहाँ देखिए, ये जो ब्लैक हो चुका है यहाँ हिस्सा जो ये है, तो ये हिस्सा और यहाँ जो है ये जल चुका था, तो उसी को साफ करके और इसके कनेक्शन वगैरह को सही करना है। तो चलिए मैं उसे अब सही करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कार्बन का जो ये व्हाइट वाला जो रेगुलेटर का जो चीज़ है दोस्तों, और ये नाइक्रोम का जो वायर है, ये कैसे हम यहाँ पर सेट करेंगे, ये वाला तो मैं यहाँ सेट कर लिया हूँ। और इसे कैसे आप बनाइएगा जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से अलग करके, उसके बाद फिर एक हिस्सा जो है दोस्तों, ये इसमें क्लिप में ये जो यहाँ होल जो किया हुआ है उसमें आप डाल करके अलग से इस साइड से निकाल लें। और निकालने के बाद फिर जो यहाँ कनेक्शन जो किया हुआ है उसमें आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। तो इधर तो हो चुका है दोस्तों, तो मैं इधर से ही यहाँ पर डाल लेता हूँ। और यहाँ से करने के बाद फिर आप ये जो हिस्सा इसका जो एक वायर का कनेक्शन लें, और इस तरह से इसमें आप ले जाकर यहाँ जोड़ दें इस तरह से, और इस तरह से रोटेट कर दें, और इस तरह से इसमें ये ऐठन दे दें ताकि ये खुले ना। और फिर दोस्तों इस तरह से आप जो ये एक एक करके जो बैक बाई बैक बना हुआ है, तो उसमें आप इस तरह से इसे फंसा लें ताकि ये अलग ना हो, यहाँ से इसका जो घाट जो बना हुआ है उससे ये अलग ना हो। तो अब मैं देखिए इस तरह से सभी को बारी बारी से एक एक चीज़ को यहाँ पर मैं डाल लिया हूँ। और अब ये इस तरह से यहाँ तक तो हो चुका है, और यहाँ ले जा करके आप इसमें इस स्थान से फिर ये लास्ट वाला जो हिस्सा है दोस्तों, उसमें आप यहाँ से कर दें। ये कहीं कहीं ब्रेक हो चुका था दोस्तों, तो उसे मैं जोड़ करके लॉन्ग में बना लिया हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पर ले जा करके अब इसमें इसके जो हिस्से वाला जो भाग है उसे मैं यहाँ से इसमें यहाँ ले जा करके इस तरह से लपेट दूंगा ताकि ये यहाँ से ब्रेक ना हो। और ये दोस्तों, ये इस तरह से ये रेगुलेटर का जो सिस्टम है वो बन चुका है। और अब मैं इसके कनेक्शन वगैरह जो है वो सारा मैं कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं बना लिया हूँ, ये तीनों का कनेक्शन जो है वो सही रूप से मैं यहाँ देखिए कर दिया हूँ, 1, 2, 3। और ये देखिए दोस्तों, इसका एक नंबर ये है, 2 ये है, 3 ये है, और ये सभी का कनेक्शन एक दूसरे से कर दिया हूँ ताकि अब ये सही से चले। दोस्तों एक बात और, अगर पंखा आपका स्लो हो जाए तो ये कंडेंसर जो है इससे भी अगर ख़राब हो तो इसके कारण भी पंखा आपका आता है स्लो तो इस चलता तरह है। से तो ये फैन चालू हो चुका है, वो आप देख रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये एक नंबर पर, 2 नंबर, 3 नंबर पर भी अभी चल रहा है। अभी ये फैन जो चल रहा है वो 3 नंबर पर देखिए चल रहा है। और इस तरह से मैं अब ये इसे यहाँ से ऑफ करके ये 2 नंबर वाला जो स्विच मैं यहाँ दे दिया हूँ, तो ये देखिए ये जो 2 नंबर वाला स्विच है इंडिकेटर में आप देख सकते हैं करंट सप्लाई इसका। और ये जो है दोस्तों, ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर पर। तो ये दोस्तों यही इसका रेगुलेटर ख़राब हो चुका था, तो ये अब ये रेगुलेटर बन चुका है। और अब मैं इसका कनेक्शन करके अब मैं इसे यहाँ पर सेट कर दूंगा जिस तरह से ये सेट था दोस्तों। इसके डस्ट वगैरह जो थे वो मैं सही कर दिया हूँ,
और ये देखिए दोस्तों, ये मशीन वॉयल है, तो ये वॉयल को यहाँ डाल दीजिए, यहाँ स्प्रिंग पिनों में लगा हुआ रहता है तो वो फ्री होने के लिए, और इसके जगह पर जो कार्बन जो लग चुका है ये सभी में, उसी भी मैं जरा सा साफ कर दूंगा ताकि ये फ्री हो जाए और अच्छी से वर्क करे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे साफ कर लेता हूँ, यहाँ से इसका कनेक्शन ऑफ कर देता हूँ, और ये इन्वर्टर पर फैन चल रहा है जिसके कारण थोड़ा आवाज़ हो रहा चल है। रहा है। 2 नंबर पे ये वर्क कर रहा है, 3 नंबर पर भी अब ये चलने लगा दोस्तों, और ये फैन अब सही हो चुका है। तो अब इसके पीछे वाले हिस्से को मैं अब लगा लेता हूँ इसमें, और ये देखिए दोस्तों, अब ये फैन जो है वो वर्क कर रहा है, इस तरह से ये चल भी रहा है फैन। ये 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, और ये इसे ऑफ करेंगे तो अब ये फैन जो है वो सही हो चुका है। इसका नीचे वाला जो हिस्सा था वो गड़बड़ा चुका था, तो वो भी अब सही हो गया है। अब ये फैन बहुत ही अच्छा और अच्छी तरह से ये रोटेट भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा।